पर की लोकेशन देखिएगा और फील कीजिएगा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। न्यू व्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है और अब मैं रामनगर के दूसरे स्पॉट पर आपको लेकर चल रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपका मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा देखकर। और ये यहाँ पर जो है कोसी नदी बह रही है, कोसी नदी का बैराज है, तो वहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ के मंज़र कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप लोगों का भी मन लगेगा खाली वीडियो ही देखकर। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत मंज़र। कोसी नदी जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोसी नदी का बैराज है, तो ये आगे का मंजर है। और देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, धूप हो रही है, लेकिन उसमें भी हवाएं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो पानी समंदर है पूरा यहाँ पर बहता हुआ और बहुत तेज़ी से लहरें बह रही हैं। नीचे नहीं जाने दिया जाएगा, अभी हम लोग यहाँ ऊपर खड़े हैं और थोड़ी देर में आपको पीछे का मंजर भी हम दिखाते हैं। तो आप एक दफ़ा ये देखिए पूरा मंजर। ये मछुआरा है और ये जो है यहाँ पर फिश पकड़ने के लिए जा रहे हैं, फिश पकड़ कर फिर जो है मंडी में जाकर बेचते हैं। अभी ये देखिए आगे से ये जाल डालेंगे और किस तरह से जाल डालेंगे, इतनी गहराई में आगे जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी मतलब गहरे उठी है पानी की, लेकिन वहीं पर ये ज़्यादातर फिश इकट्ठा होती है। तो ये आगे जाकर जाल डालेंगे क्योंकि लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है। हाँ, हम लोगों को तो लग रहा है कि अरे कहीं घूम नहीं जाए, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। हमें लगता है कि हाँ बस समंदर में गए और ऐसे ही पकड़ लिया, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर और ये लोग जो है फिश पकड़ते हैं। और कितनी अंदर जा रहे हैं गहराई में, हम लोग तो जा ही नहीं सकते वहाँ पर। इतना पानी का बहाव तेज है कि जान को जोखिम में डालना है। इतना जाकर जो है वो मछली पकड़ेंगे और अभी पीछे की साइड में वो गए हैं, इसलिए अभी यहाँ से दिखाई नहीं देंगे। चलिए हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से और आगे की ये और जगह आपको खूबसूरत दिखाते हैं और हम लोग भी देखते हैं आप लोगों के साथ साथ। नीचे की साइड जहाँ मैं मना कर रही थी कि वहाँ पर नहीं जाती है फैमिली, तो हमने सोचा जब आए हैं तो चलो चलते हैं, क्योंकि नीचे जाने को बच्चों को मना करते हैं, लेकिन बच्चे भी कहने लगे, बच्चों का बहुत मन था कि हम भी जाएंगे, तो फिर मैं अपने साथ उनको लेकर चल पड़ी। और यहाँ पर देखिए माँ ही मेरा हाथ पकड़ रहा है कि लाओ खालजान मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, तो बच्चे और मेरी केयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इशरा माँ ही और मैं यहाँ पर नीचे की साइड जा रहे हैं, नीचे जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं नीचे की लोकेशन।
आप सबको मेरी वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ ना यहाँ पर मौजूद होकर, वो आप लोग भी करें और यहाँ के पानी के जो साउंड है वो आप सुने, कितना खूबसूरत नज़ारा है। बच्चों का तो यहाँ से मन ही नहीं था जाने का, लेकिन उनको फिर बोला कि आगे भी जाना है, हम लोगों को देर हो रही है। और ये पत्थर जो थे ना बहुत ज़्यादा पैरों में चुभ रहे थे, ये स्लीपर हम लोगों ने उतार दिए थे तो बहुत ज़्यादा पैरों में तकलीफ होने लगी थी पत्थरों की वजह से, इसलिए चलने में भी दिक्कत हो रही थी। अब निकलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, चलिए ऊपर हमारी अपनी। अब ऊपर की साइड चल रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ से दिखाते हैं आपको ये नदी का नज़ारा। और जो नीचे से तो हमने आपको दिखा दिया है, ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर से भी देखिए कितनी खूबसूरत लगेगी। तो चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम आ गए हैं अब कोसी बैराज के ऊपर, पार्क बना हुआ है, तो वहाँ से नीचे की आपको लोकेशन दिखाते हैं। अभी तो मैं नीचे थी जब मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, और ऊपर से आप देखिएगा, और यहाँ बच्चों के कपड़े भी गीले हो गए इशरा के, तो उसके कपड़े भी चेंज कराते हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप ऊपर की लोकेशन देखिएगा और फील कीजिएगा कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ का।
अब हम लोग जो है यहाँ पर कोसी नदी के ऊपर जो पार्क है बैराज पर, तो वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ की लोकेशन देखिए आप कितनी खूबसूरत है। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट किया है और यहीं पर जो है अपने ब्लॉग का भी एंड करते हैं। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, न्यू ब्लॉग आगे से स्टार्ट करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ और आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।